हालेलुया। तो लास्ट वीक में प्रचार किया था, उसमें दो पॉइंट बच गया, अभी पांच पॉइंट और मुद्दा मेरे पास है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी करते हैं भलाई के लिए करते हैं। हालेलुया। तो पांच मुद्दा मेरे पास है, चौथा मुद्दा आपको कुछ भी कम नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु के पास जो भी है उसको कुछ कम नहीं है। हालेलुया। यारो देवर हत्र इतारो अवरिगे याव कोरतेयू इरुवुदिल्ल। यावदु कोरते इरुवुदिल्ल। यार देवर हत्र इतारो अवरिगे कोरते इल्ल। यारु देवर हत्र इल्लवो अवरिगे कोरतेगळु इदे। तो हम प्रभु के वचन में देखेंगे। आज का दिन बहुत सारे लोग भूखे हैं, बहुत सारे लोग आज का दिन प्यास में हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भूखे हैं क्यों, हमेशा वो लोग इधर उधर खोज रखते, कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा प्रभु का वचन में देखते हैं, जब प्रभु के पास आ जाते हैं उसको कुछ भी कम नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु के लिए ताली बजाओ। देवर हत्र यार इरुतारो अवर कुटुंबदल्ली देवरु अधिकवागि कोट्टु मेलक्के तरलिक्के सिद्धवागिरुत्ताने। परमेश्वर के पास जो भी है ना, छोटा कुटुंब हो, बड़ा कुटुंब हो, बहुत बड़ा खानदान हो, लेकिन प्रभु जानते कि सबका हर एक तकलीफ से, दुख से, हर एक जो भी कमती है, प्रभु हमेशा हाथ खोल कर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। बहनों और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहला बात बताया था लास्ट वीक, जब भी क्रोध और द्वेष और गुस्से और घमंडी से चलता है, परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता। जब भी शांत हृदय से और नर्मता हृदय से आता है, परमेश्वर वो हृदय को पसंद करता है। इसमें आप तकलीफ में रहेगा, खर्चा में रहेगा और बहुत सारे पैसा लेकर आप तड़प रहा रहेगा, आपके परिवार में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके बच्चे को शिक्षण देने के लिए पैसा नहीं है और आप और किसी को देना है, तो बहुत दुख से मेहनत करते हो, कुछ फल नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उसमें फल नहीं आ रहा है। लेकिन यीशु के पास आकर देखो, जो नहीं है यीशु मसीह देने वाला है। आप जब भी तकलीफ में है, गरीब में है, उसको आप हाथ खोलेंगे, परमेश्वर आपके लिए हाथ खोल कर देगा। जो भी आप कुछ भी करते हैं ना, प्रभु को महिमा होना चाहिए। जो भी बीमारी तकलीफ से परमेश्वर ने आजादी दिया, मुक्ति दिया, नाच कर खुद कर यीशु के लिए वो लोग गवाही बताने लगे। हालेलुया। विश्वास योग्य बनना है। चौथा कोडोदरली ना विश्वास योग्य रागिरबेकु। चौथा क्या है? देने में हम विश्वास योग्य होना चाहिए। विश्वास योग्य यारिगे? देवर देवरिगे कोडोदरली, जनिक कोडोदरली विश्वास योग्य आगिरबेकु। होना चाहिए नहीं बहन और भाई? आगिरबेके इल्ला। पांचवा बात, हमारे कलेशिया में हमेशा हम सब लोग एकता में रहना, सब लोग विश्वास होकर बनेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति धारल से इधर उतर कर आएगा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके बीच में आएगा। आपको कोई भी हाथ लगाने का जरूरत नहीं, यीशु मसीह ने आपको चुएगा और आजादी देगा। बहन और भाई, कभी भी दूसरे को नीचा बुरा तरीका से देखो मत, परमेश्वर के राज में हम सब एक ही है। हालेलुया। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और कितना बड़ा अमीर हो, कितना भी बड़ा हो, उसने पास कितना दौलत रहो, लेकिन प्रभु में हम सब विश्वास योग्य है। और छोटे भी हो, बड़े हो, लेकिन परमेश्वर सब लोग को पसंद करता है। यार मेले देवर नमक इतना नहीं ला किलोब्रिगे साल आगिरते थे, साल आगिरते साल की उ साल आगे मतब्रिगे हेकोता डाटती। आपको कर्जा है हुआ तो आप दूसरे को बताने का जरूरत नहीं, विश्वासी खुदा है। परमेश्वर को बोलो, ऐसा हाथ पिलाओ और प्रार्थना करो, प्रभु अच्छा उन्नति लेके आओ, आप सब उसे कर्जा से भी सबसे बंधन से बाहर आएगा और परमेश्वर अधिक आपको उपयोग करेगा। पांचवा बात, अपने कुटुंब और परिवार और लोग के साथ हम विश्वासी योग्य रहना चाहिए। मैं आज
से हुआ।